आज मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। तो मुझे बनाना था कुछ जो जल्दी से बन जाए, इसलिए सोचा पनीर के पराठे बनाते हैं। तो पहले मैं आटा गूंदूंगी और फिर स्टफिंग। पनीर वाली स्टफिंग भी बहुत जल्दी बन जाती है, मतलब आपको भी आलस आ रहा होगा तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। थोड़ा लेफ्ट ओवर आटा भी है तो इसे भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। आ जाओ, गुड मॉर्निंग। ये क्या है पता है तुम्हें? ये तो आटा है। फिर ये क्या है? ये तो आटा है। फिर ये क्या है? ये तो पनीर है। ये क्या पनीर? यमी होता है ना पनीर। गुड मॉर्निंग। पनीर में डालें आप अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, मिर्ची, कोई भी आपके पसंद का सूखा मसाला। साथ में धनिया पाउडर डाल सकते हैं आप। चाट मसाला या आमचूर पाउडर डालें, उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और आखिर में नमक। इसमें कभी आप धनिया या पुदीना भी चॉप करके डाल सकते हैं, या फिर कसूरी मेथी, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस मिक्स करना है और स्टफिंग रेडी है। तो बन जाती है ना काफी झटपट। राहिनी के लिए मैं बनाऊंगी छोटे साइज का पराठा और हमारे लिए बड़े साइज का। इन पराठों के साथ आप कोई चटनी परोस सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। ये मैंने सालसा बनाया था, इसकी रेसिपी मैंने पोस्ट की है ऑलरेडी चैनल पर। टमाटर का है, इसमें ऑलिव ऑयल है, धनिया है, गार्लिक है, काफ़ी टेस्टी बन जाता है। बट अगर आपके पास ये रेडी नहीं है तो आप कोई भी चटनी या अचार साथ में परोस सकते हैं। आज अपने दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ नारियल पानी से, और ये नारियल पानी है दसानो ब्रांड का। 200 ml की बॉटल है और ये काफी अच्छा नेचुरली स्वीट टेस्टिंग नेचुरल कोकोनट वाटर है। मैं सोच रही हूँ कि इसे ग्लास में पोर करके पीऊँ। नारियल पानी ठंडा है, मैंने इसे फ्रिज में रखा था। ग्लास में डालकर पीने का मजा ही कुछ और है। ये मेरा रीसेंट परचेज है, मतलब जो मैंने ग्लास खरीदे थे उसमें सबसे नए वाले ये हैं, डीमार्ट से मैंने लिए थे। मैं बना रही हूँ इंस्टेंट पालक रवा इडली। राहिने के लिए भी यही होगी, हमारे लिए भी सेम। गुड मॉर्निंग।
मैं पालक को ब्लांच करके प्यूरे नहीं कर रही हूँ, इडली स्टीम हो जाएगी, इसलिए पालक को अच्छे से वॉश करके मैं डायरेक्ट उसका एक प्यूरे बना रही हूँ। ये पालक की प्यूरे में बैटर में यूज करूंगी। बैटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ बारीक वाला रवा, 2 कप बारीक रवा या सूजी। इसमें जाएगी लगभग 3/4 कप दही, इसके अलावा थोड़ा सा नमक और पालक का प्यूरे। बाकी जो तड़का वगैरह लगता है, कड़ी पत्ता, मिर्च वगैरह, वो मैं नहीं डाल रही हूँ। बेसिक प्लेन पालक वाली इडली और साथ में बनाऊंगी चटनी। इस बैटर को थोड़ा रेस्ट कर देते ताकि जो सूजी है अच्छे से फूल जाए। चटनी बनाने के लिए मैं क्या ले रही हूँ आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर है 2 बड़े साइज के टमाटर, 1 प्याज, कुछ सूखी लाल मिर्च और काफी सारा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च। थोड़े से तेल में मैं इन सबको तड़का दूंगी, बहुत ज्यादा इन्हें गलाना नहीं है, और उसके बाद ठंडा करके इन्हें पीसना है और चटनी बनानी है। टमाटर को बहुत ज्यादा गलाने की जरूरत नहीं है, बस बाहर बाहर से टमाटर थोड़े से गल जाए, इतनी ही काफी है चटनी के लिए। दो कप सूजी का मैंने बैटर बनाया है, तो मैं यूज कर रही हूँ 1 टीस्पून इनो। आप लेमन फ्लेवर वाला या फिर प्लेन वाला यूज कर सकते हैं। इनो डालने के बाद बैटर को अच्छे से मिक्स करें, एक ही डायरेक्शन में घुमाएं। तो इसे बनाने के बाद सबसे पहले मैं रहने के लिए मिनी इडली बनाऊंगी, तो 5 मिनट में स्टीम हो जाती है। राहिन ने मिनी इडली ज्यादा पसंद करता है, वैसे बड़ी वाली इडली भी अच्छी लगती है, पर मिनी इडली बहुत क्यूट लगती है, इसका टेक्सचर ज्यादा बाउंसी लगता है ऐसा मुझे लगता है। टमाटर और बाकी की चीजें ठंडी हो गई है, इन्हें मैं डाल रही हूँ मिक्सी के बर्तन में। साथ में बाइंडिंग के लिए थोड़ी सी रोस्टेड चना दाल और भुनी हुई मूंगफली की मैं पाउडर डालूंगी। यहाँ पर आप थोड़ा सा सूखा नारियल भी डाल सकते हैं, पर इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा ना डालें। थोड़ा सा नमक, इसे पीसते समय आप पानी डालें, और अगर आपको खटास ज्यादा चाहिए तो आप थोड़ी सी इमली डाल सकते हैं। राहिने की मिनी इडली काफी अच्छे से स्टीम हो गई है, फूल गई है, तो इसे मैं निकालूंगी और फिर नेक्स्ट बैच लगाऊंगी बड़ी इडली की। टेस्ट के लिए मैंने स्प्रिंकल किया है थोड़ा सा सांबर मसाला। ये चटनी रेडी है। यूजुअली मैं इसके ऊपर तड़का लगाती हूँ कड़ी पत्ता और राई का, पर मैं आज सोच रही हूँ नहीं लगाऊं, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, तो फटाफट इडली और चटनी में परोसने वाली हूँ। राहिने के लिए मैं बना रही हूँ आज बीटरूट टमेटो पास्ता। तो पास्ता में उसका फेवरेट शेप है मैकरोनी, अभी फिलहाल उसे ये पसंद है।
प्यूरे बनाने के लिए मैं छोटा सा बीटरूट यूज कर रही हूँ, एकदम छोटे साइज का है, तो इसे वॉश करके मैंने अभी अच्छे से पोंछ लिया है। नेक्स्ट इसके मैं मोटे मोटे टुकड़े कट करूंगी और एक टमाटर इसके साथ ही डालकर पीस लूंगी। ये प्यूरे बहुत ही अच्छा लग रहा है। राहिनी को बीटरूट के पराठे भी पसंद है, कटलेट भी पसंद है और पास्ता में भी वो खाता है, अच्छी बात है। हमारे लिए मैं बनाने वाली हूँ ज्वार का डोसा। यहाँ पर एक कप ज्वार का आटा है, 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा, 2 टेबलस्पून चावल का आटा और 2 टेबलस्पून बेसन। इन सारी चीज़ों में नमक डालकर मैं इसका एक पेस्ट बनाऊंगी, पेस्ट यानी बैटर, थोड़ा सा पतला, और साथ में थोड़ी सी हल्दी। पास्ता कुक हो गया है, इसे छान कर मैं साइड में रखूंगी। पहले बैटर कंप्लीट करूंगी और फिर पास्ता को तड़का लगाऊंगी। ये बैटर जरा पतला ही होता है ताकि इसे पोर करते समय अच्छी जाली बन जाए। प्यूरे को तब तक पकाएं जब तक कि बीटरूट और टमाटर का कच्चापन न चला जाए। इसके बाद बाकी के मसाले आप डाल सकते हैं। राहिनी का पास्ता रेडी है, अब बनाते हैं डोसा। इस तरह का डोसा बनाने के लिए तवा ज्यादा अच्छे से गर्म होना चाहिए। जो नॉर्मल हम पतला वाला बनाते हैं पेपर डोसा, तब तवा जरा ठंडा होना चाहिए बैटर डालते समय, यहाँ पर एकदम गर्म चाहिए। डोसा बन गया है एकदम जालीदार, एजेस पर क्रिस्पी है, कहीं कहीं पर सॉफ्ट है और साथ में इसके चटनी। ये डोसा ठंडा भी हो जाता है तो भी टेस्टी लगता है, चिपकता नहीं है, पर हाँ जब ये गर्म होता है तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। राहिनी के टिफिन वाले पास्ता पर भी अच्छे से सॉस लगा हुआ है ताकि उसे पास्ता ड्राई ना लगे। आज मैं सोच रही हूँ उपमा बना लूँ जो थोड़ा सा लूज वाला होता है, ढेर सारे मटर डालकर। सूजी मैंने अच्छे से सेक ली, एकदम अच्छी खुशबू आने तक। अब नेक्स्ट इसे लगाएंगे तड़का।
तड़के में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल, हरी मिर्च और प्याज और साथ में मटर और जो भुनी हुई सूजी है और हल्की सी हल्दी। मुझे राई डालनी थी तड़के में जो कि मैं भूल चुकी हूँ जल्दबाजी में, पर कोई बात नहीं, उपमा फिर भी अच्छा बना है और यह राहिनी के लिए। गुड मॉर्निंग। आज मैं सोच रही हूँ कुछ सुपर क्विक बनाऊं, मेरा कुछ खास मन नहीं है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उत्तपा बनाऊंगी। यहाँ पर है बारीक वाला रवा या फिर बारीक मोटा कोई भी आप ले सकते हैं। सेम अमाउंट में मैंने लिए हैं पोहे, इन दोनों को पीसकर पाउडर बनाऊंगी और दही नमक डाल के इनका एक बैटर जिससे बनेगा उत्तपा, और कल की चटनी बची हुई है तो मैं इसके साथ में परोसूंगी। ये काफी क्विकली बन जाता है, जैसे इडली भी काफी जल्दी बन जाती है जो इंस्टेंट वाली होती है, तो ब्रेकफास्ट में ऐसे ऑप्शंस मुझे अच्छे लगते हैं जो बहुत जल्दी बन जाते हैं। कभी कभार मैं भी ऐसी चीज़ से बना देती हूँ जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, लंबी होती है, और फिर ऐसा हो जाता है कभी कभार कि जो नाश्ता है वही हम लंच में भी खा रहे हैं, ऐसा भी होता है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में या फिर कोई इलैबोरेट डिश बन गई है तो फिर से खाना बनाने का मन नहीं होता। ये बैटर रेडी है। अब जस्ट बनाने से पहले, उत्तपम बनाने से पहले मैं डाल रही हूँ इनो आधा टीस्पून के करीब। इसे बस एक डायरेक्शन में मिक्स करें और जब ज़रा सा ये फ्रॉथी हो जाए और फिर उसके बाद आप उत्तपम बना सकते हैं। ये उत्तपम पैनकेक टाइप ज़्यादा लगते हैं, थोड़ा अलग टेस्ट लगता है जो नॉर्मल फर्मेंटेड वाले होते हैं, वो सबसे बेस्ट होते हैं, मुझे ज़्यादा पसंद है, पर जब टाइम कम हो फटाफट कुछ बनाना हो तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। राहिनी के लिए मैं मिनी वाले बना रही हूँ, उसे अच्छे लगते हैं ऐसे छोटे छोटे क्यूट वाले। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग देखने में मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच इस व्लॉग को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।